आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी ने लॉन्च की 5G सर्विस, 13 शहरों में शुरू होगी सेवा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पद से दिया इस्तीफा, अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बाद लिया फैसला। पीएफआई के टारगेट पर थी 5 आरएसएस नेता, केंद्र ने दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। तेलंगाना सरकार का अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़ा फैसला, दिए जाने वाले आरक्षण को 6-10% तक बढ़ाया। क्रिस गेल के अर्धशतक के बाद यूसुफ पठान का जलवा, गुजरात को हराकर भीलवाड़ा ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक देश के कई शहरों में 5G सर्विस लग जाएगी। इसके जरिए देश के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। पहले फेज में देश के 13 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, जामनगर, लखनऊ और पुणे शामिल हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, आज से 13 शहरों में 5G की शुरुआत हो रही है पूरे भारत में। जी, मैं भी आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं जो देखें टेक्नोलॉजी के अंदर में आज एक अलग ही दिन है। अगर देखें तो आज जो फोन क्रांति है उसके लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अगर बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री के हाथों 5G की शुरुआत की गई, जिससे कहीं ना कहीं देखें तो जो इंटरनेट सुविधाएं हैं उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। आपको बताएं कि आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ प्रधानमंत्री ने आज 5G की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस क्रांति से अपना देश और आगे जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए तो भारत के अंदर में 5G की शुरुआत थोड़ी देर से हुई है, मगर कहीं ना कहीं इसको बेहतर मंच और बेहतर पटल बनाकर की गई है। वहीं अगर देखें तो इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के बाद हमने देखा कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का हर एक व्यक्ति को विशेष का उपयोग है। खासकर अगर देखें तो जो हम घरों में बंद थे उस वक्त मोबाइल फ़ोन से ही क्लासें चल रही थी, ऑफिसेज चल रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं देखें तो जो तमाम काम है उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। इंटरनेट की सुविधा में जो 4G चल रहा था 5G चलेगा, इससे कहीं ना कहीं अब जो इसके उपभोक्ता हैं वो इससे उनके बेहतरी होगी। वहीं अगर बात की जाए तो आज 13 शहरों के अंदर में 5G शुरुआत की गई है। वहीं आपको बताएं कि इंडिया के अंदर में अगर देखें तो एयरटेल और जियो को इसका बैंड दिया गया है। 5G के जो तमाम अगर देखें जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर में एयरटेल और जियो को लिया गया है। साथ ही आज जब इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ तो जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी की तरफ से कहा गया कि हम जियो के माध्यम से लोगों को सस्ता और बेहतर इंटरनेट देंगे, जिससे लोग अपने काम को, चाहे हो ऑफिस, चाहे स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, इन सभी जो छात्र हैं उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ स्कीम ले आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक अन्य शहरों में इसको लाया जाता है। वहीं अगर आपको बताएं कि देश के प्रमुख शहरों में इसको लॉन्च किया गया, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी इसे लॉन्च किया गया है। अब आपको बताएं कि इसे दूरसंचार इतिहास का एक बड़ा दिन के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अन्य देशों से अगर तुलना करें तो जो भारत की जो 5G होगी वो अन्य देशों की तुलना में कहीं ना कहीं बेहतर होगी, क्योंकि इसके लिए तमाम कंपनियों ने, अब जो दूरसंचार विभाग है
वो लगातार प्रयास किया और लगातार इस पे काम किया, उसके बाद इसको कहीं ना कहीं भारत के अंदर में लॉन्च किया गया है और 21वीं सदी का इसे कहा गया है कि एक शक्ति का आगाज है। तो आने वाले समयों में धीरे धीरे जो 5G सेवाएं हैं वो देश के हर एक कोने में, चाहे बात की जाए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देखने को मिलेगी, मगर अभी 13 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। जी विभांशु, देखा जाए तो अरे 4G, लोगों के मन में ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि 4G जो अभी 4G सिस्टम है उसके लिए क्या 5G के लिए अपना स्मार्टफोन चेंज करना पड़ेगा या सिम को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा? विभांशु, अगर देखा जाए तो 4G सिस्टम जो अभी है, लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या नया स्मार्टफोन लेना पड़ेगा या 4G सिस्टम को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा? नंदनी, आपको बताएं कि जिस फोन में 5G सपोर्टेड होगा उसमें ये काम करेगा। साथ ही आपको बताएं कि आज के समय अगर देखा जाए इस आधुनिकता के जमाने में कहीं ना कहीं वर्चुअल सिम के भी ऑप्शन आ गए हैं कई फ़ोन में। तो जल्द ही अगर देखें तो तमाम जो आने वाले फ़ोन हैं, अगर देखें तो पिछले 2 सालों में 5G फ़ोन भारत के अंदर में आ रहे थे और अब जो भी फ़ोन आएंगे वो 5G आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा है कि एक वक्त था कि हम भारत के अंदर में विदेशों से फ़ोन को यहाँ ले आ रहे थे, मगर आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और 200 से अधिक भारतीय कंपनियाँ आज फ़ोन बना रही हैं। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि धीरे धीरे जो डिजिटल क्रांति है वो भारत के हर एक राज्यों में हम फैलाएंगे और इससे जुड़े तमाम जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पादन है, उनको तैयार करेंगे और विदेशों में भेजेंगे। इससे युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, साथ ही भारत का जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसमें एक नाम आए होगा। जी विभांशु, देखा जाए तो बात कर रहे हैं युवाओं की शिक्षा प्रणाली में एक बेहतरीन सर्विस है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन सर्विस दी जा रही है ये। जी निश्चित तौर से, आपने देखा कि जब कोरोना की महामारी चल रही थी उस वक्त हर एक व्यक्ति अपने घरों में कैद था और इंटरनेट ही एक सहारा था कि हर व्यक्ति जो अपनी अति आवश्यक काम थे, चाहे बात की जाए ऑफिस हो, चाहे बात की जाए जो छात्र थे उनकी कोचिंग हो, उनकी स्कूल हो, तो इंटरनेट एक बड़ा सहारा बन के आया था। तो अब कहीं ना कहीं 5G आने के बाद जो कहा गया है आज के प्रधानमंत्री के संबोधन में, अब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दूरसंचार विभाग के एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर अब हर एक क्षेत्रों में 5G की सुविधाएं में बेहतरी लाई जाएगी और इससे कहीं ना कहीं जो तमाम तबका है जो इंटरनेट पर आश्रित है वो पूरी तरह से इसका लाभ लेगा और कहीं ना कहीं उनके काम में बढ़ोतरी होगी। आमतौर पर देखा जाए तो आज के वक्त में अगर देखें तो कोई व्यक्ति अपने गाँव में बैठ के दिल्ली की कंपनियों में काम कर रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं 5G सेवाओं से बेहतरी होगी कि वो अपने काम को बेहतर ढंग से करके और अपने जो ऑफिसेज होंगे वहाँ अपने फाइलों को बेहतर ढंग से ट्रांसफर कर सकेगा। जी विभांशु, देखा जाए जब भी मार्केट में कोई चीज़ आती है तो उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन क्या लग रहा है कि पूरे भारत में ये कब तक पहुँच जाएगा 5G सर्विस और ग्रामीण क्षेत्र में कब तक इसकी सुविधा मिलने लगेगी सबको? जी आपको बताया कि अभी पहले फेज के अंदर में 13 इसके प्रमुख जो देश के शहर हैं उसके अंदर में अभी लॉन्च किया गया है और जियो ग्रुप के चेयरमैन आकाश अंबानी की तरफ से कहा गया कि ठीक वैसे ही इसका रेट होगा जैसे हमने 4G लॉन्च किया था। अगर बात की जाए तो 4G जब भारत के अंदर में शुरुआत की गई थी तो उसे शुरुआत के दिनों में उसे मुफ्त रखा गया था, उसके ठीक बाद इंटरनेट में अगर देखा जाए तो जो किफ़ायती रेटों में पैक्स आने लगे उसमें जियो का एक बड़ा योगदान था। उनकी तरफ से जो ग्राहक हैं जो 5G के जो आशा अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि हमें बेहतर सुविधा मिले बेहतर दामों में, तो जियो ग्रुप के चेयरमैन आकाश अंबानी की तरफ से कहा गया है कि ठीक वैसे ही किफ़ायती रेटों में उपलब्ध होगा और खासकर कुछ ही समय के अंदर में एक लक्ष्य रखकर और अलग अलग फेज बनाकर इसे देश के हर एक कोने में फैलाया जाएगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ इंटरनेट की सुविधा कहीं ना कहीं लचर रहती है वहाँ पर 5G की सुविधाएँ सेटेलाइट के द्वारा बेहतर ढंग से देने की वादे किए जा रहे हैं। अब आने वाले समयों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या 4G की तरह से ही 5G काम करेगा और गाँव में जहाँ नेटवर्क की काफ़ी दिक्कतें रहती हैं वहाँ कंपनियाँ क्या व्यवस्था करती हैं और अपने उपभोक्ताओं को कैसे बेहतरी सुविधा देती हैं। जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु।
गोरखपुर में विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर रूट का ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ड्रोन कैमरे की मदद से SPCT की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से लगभग 252 घरों के छतों की भी निगरानी की जा रही है और एंटी ड्रोन सिस्टम पर निगरानी रखी जाएगी। जो कुछ भी बिना अनुमति के उड़ाता हुआ मिला तो उसे रोका जाएगा। वहीं शोभा यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली छतों पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। बता दें कि शोभा यात्रा खुले में होती है और सीएम योगी उसमें खुद शामिल होंगे, इसलिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। बता दें कि गोरखपुर में विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान तक निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर रूट का ड्रोन का कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक ड्रोन कैमरे की मदद से SPCT की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही लगभग 252 घरों की छतों की भी निगरानी की जा रही है। एंट्री ड्रोन सिस्टम पर निगरानी भी रखी जाएगी। जो कुछ भी बिना अनुमति के उड़ाता मिला गया तो उसे रोका जाएगा। वहीं शोभा यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाली छतों पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। इस शोभा यात्रा में बता दें कि सीएम योगी खुद इसमें शामिल होते हैं, इसलिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, विजयदशमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सीएम इसमें खुद शामिल होंगे, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर प्रत्येक वर्ष जो है इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं, भगवान श्री राम का जो है वो आरती करते हैं और ऐसे में शोभा यात्रा रामलीला मैदान से निकलती है और पूरा जो है गोरखनाथ मंदिर से पूरी तरह से निगरानी पे रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे के साथ से जो है 252 घरों पे जो है निगरानी के तरफ से है हाईटेक कैमरे भी लगाए जाएंगे, जो CCTV कैमरे हाईटेक होंगे उसको पूरी तरह से रखा जाएगा। सीएम के सुरक्षा के लिए पूरी तरह से हर जगह हर छतों पे जो है पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे, सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान और महिला पुलिसकर्मी भी वहां पे मौजूद रहेंगे और पूरी तरह से बता दें हाई क्वालिटी CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि पूरी तरह से इसको जो है सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और पुलिस के जवान जो है ड्रोन कैमरे से पूरी तरह से इस पे जो है निगरानी करेंगे और SPCT और SSP साथ में DG सभी जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे। RPF, CST और SSP के साथ जनपद की सारी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी। इसको छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस यात्रा में जाते हैं। शोभा यात्रा में पूरी तरह से पब्लिक भी रहती है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, स्वयं से सीएम के आस पास लोग मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और पूरी तरह से इसमें मौजूद रहते हैं। हजारों की संख्या में इसमें जो है शोभा यात्रा में लोग रहेंगे तो पूरी तरह से इसको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा, नो फ्लाइंग जोन इसको घोषित कर दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर पुलिस के ड्रोन कैमरे ही उड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। खबर गोरखपुर से है जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ITMS कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही गोरखपुर जिले के यातायात व्यवस्था की जानकारी भी ली। कार्यालय में यातायात उपकरणों के बारे में डिप्टी सीएम को SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल ने जानकारी दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा, आप सभी यातायात नियमों का पालन करें और जागरूक नागरिक बने। आज गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम का अभी हमने निरीक्षण किया है। बहुत बेहतर ढंग से गोरखपुर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतर संयोजन सभी विभागों से हुआ है। ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर किए जाने के कुछ सुझाव हमने दिए हैं, जैसे उर्दू बाज़ार के पास वहां पर अभी स्मार्ट सिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, वहाँ मैन पावर बढ़ाए जाने के साथ एक ट्रांसफार्मर सड़क पर लगा है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ऑडिटोरियम में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी उपस्थित रहे। जगदीश गांधी ने एक बताया कि CMS पूरे इंडिया में अकेला स्कूल है जो खादी को प्रमोट करता है। स्कूल में सभी टीचर और प्रिंसिपल ने भी खादी कपड़ों का पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम में नहीं पहुँच सके।
इसीलिए हमने एक दिन पहले ही इस कार्यक्रम को रखा है सत्या डे को, ताकि सभी लोग इसमें हिस्सा ले सकें। इसका उद्देश्य है, आज आप देख रहे होंगे कि सभी 3000 टीचर हमारे खादी के कपड़ों में आए, सारी हमारी टीचर खादी की साड़ी, खादी का ब्लाउज, खादी का दुपट्टा है, और हमारे जेंट भाई जो है सभी के पास कुर्ता पाजामा और टोपी खादी की है। अलीगढ़ के थाना दादो इलाके में नाई के नगला प्राथमिक विद्यालय में लगभग 150 बच्चों को जबरन स्कूल का गेट बंद करने के बाद वैक्सीन की डोज लगाई गई। वैक्सीन की डोज लगने के बाद लगभग 50 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई और उन्हें आनंद फानन में छर्रा इलाके के CSE में भर्ती कराया गया। वहीं बच्चों का आरोप है कि स्कूल के टीचरों ने जबरन बच्चों को कमरे में बंद कर उनकी पिटाई की और उसके बाद उन्हें डोज लगा दी। डोज लगने के बाद अधिकतर बच्चों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार आने लगा, जिसके बाद परिजनों ने अपने बच्चों को स्थानीय CSE में भर्ती कराया। इस घटना के बाद जिला अध्यक्ष प्रसपा मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही है, अधिकारियों को संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कौन सा गांव है तुम्हारा? नाई के नंगला। क्या हो गया था आज स्कूल में, क्या हुआ था? वैक्सीन लगी सबकी। वैक्सीन लगी? हाँ। किसने लगाई थी वैक्सीन? जहीं की आई थी। हाँ। क्या हुआ, कैसे वैक्सीन लगाई? बिन्नेना सब बालक भाज रहे, सो बिन्नेना केवल लगा के बाहर की गेट ना आई वो बंद कर लाई, सो मार रहे बालकन को। कौन मार रहे थे? सर। क्यों? वो भाग रहे बालक। फिर क्या हुआ? फिर बिन्नेना भाग रहे सो बालक ना वो सुई लगा दी पकड़ के। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नगला जाटवन में। स्कूल प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो? क्या हुआ था स्कूल में? स्कूल में दो मैडम आई थी और एक सर जी आए थे। इतना बड़ा डिब्बा था, उसमें सुई थी। फिर? पहले सर जी ने कहा कि इनके सुई खाना खाने के बाद लगाना। हम घर जाने लगे तब पकड़ पकड़ के सुई लगाने लगे। जबरदस्ती लगाई? हाँ। घर वालों को भी नहीं बुलाया? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बाद में सुई लगाने के बाद छुट्टी कर दी। फिर कुछ नहीं। फिर घर आए तो हमको बुखार आने लगा। संजय। कहाँ से आए हो संजय? नाई के नंगला से। क्या मामला हुआ, क्यों इतने बच्चे आए, क्या पूरी बात बताओ। सर इसमें हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया था। कौन से स्कूल में? नाई के नंगला में प्राइमरी स्कूल है। सरकारी। उसमें पढ़ने के बाद वहाँ ये बच्चा स्कूल से आया तो इसको बुखार आया था तेजी से, तो इसने हमें ना बताया कि बुखार किस चक्कर से आया है, ना हमको कोई सूचना मिली कि आपके बच्चे के लिए कोई टीका लगा दिया है। हमने पूछा है तो ये बताते हैं बच्चे के स्कूल में गेट बंद करके और हमें कहीं जाने नहीं दिया और टीका लगा दिया। टीका लगाने कौन आया था? ENM गई थी बता रहे थे। जैसा आपको भी अवगत होगा, अभी हमारा एक बृहद अभियान चल रहा है बूस्टर डोज का, तो इसमें TD और DPT के टीके लग रहे हैं। तो DPT का जो टीका होता है बूस्टर डोज लग रही है, इसके टीके के बाद बुखार आता ही आता है, मोस्टली बच्चों में रहेगा। तो हुआ यही है, जो टीका लगने के बाद इन बच्चों को फीवर आया है। अब ये है कि मास में फीवर आया होगा तो सारे लोग पैनिक हो गए। एक दो बच्चों को शायद, जो हमारे पास बताया ये गया था कि उनको पेट में दर्द और उल्टी की भी शिकायत थी। हमारे पास 50 बच्चे यहाँ पे आए हैं तो उनके वही हाथ में, मोस्टली बच्चों के हाथ में दर्द की कंप्लेंट है जहाँ पे टीका लगा है उस साइड पे। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश, स्कूल का गेट बंद करके बच्चों को जबरन वैक्सीन की डोज क्यों लगाई गई? नंदनी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला दादो इलाके का है और अगर बताई जाए वैक्सीन की तो ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन इनको कमरे में बंद करके लगाई गई, जबरन वैक्सीन लगाई गई है। तकरीबन 150 बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद 50 बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके इलाज कराया गया। नितेश, जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई है अभी उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, उनके अभिभावकों से क्या कुछ बात हुई है आपकी? अगर अभी अभिभावकों से बात करने की बात कहेंगे तो अभिभावक कहना है कि हमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई और उनके बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई और वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। नितेश, देखा जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि बच्चों को जबरन वैक्सीन क्यों लगवाया जा रहा है।
अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर का कहना है कि ये वैक्सीन के बाद खांसी और बुखार उल्टी की समस्या होती है। ये वैक्सीन तकरीबन 150 बच्चों में लगाई गई थी, 50 बच्चों की ज्यादा तबीयत खराब होने के बाद उनको अब वो बच्चे ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितेश। खबर सीतापुर से है, जहां तहसील बिसवा के नगर क्षेत्र में कई वर्षों से बनकर तैयार काशीराम कॉलोनी में पात्रों को आवास आवंटित किए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ने उपजिलाधिकारी को पत्र सौंपकर पात्रों को आवास आवंटित किए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बिसवा नगर में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए समर सेबुल लगवा कर पानी निकलवाने की भी मांग की है। औरैया में खबर, एरवा केटरा में नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा के लिए लगे पांडाल व एरवा टीकुर में हो रही रामलीला का एसएसपी ने पहुंचकर जायजा लिया। वहीं रामलीला कमेटी के पदाधिकारी अरुण कुशवाहा, गौरव गुप्ता, सचिन गुप्ता, मंटू तिवारी ने अपर पुलिस अधीक्षक को शॉल उड़ाकर व भगवान राम की फोटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने भगवान राम, लक्ष्मण व माँ जानकी की आरती की और उन्होंने पंडाल में बैठे सभी दर्शकों को संबोधित भी किया। अधिकारियों के निर्देश हैं और हम सभी लोग, न केवल मैं बल्कि हमारे सारे प्रभारी निरीक्षक, सभी सीओ साहिबान और मैं स्वयं और एसपी मैडम, सभी लोग जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो दुर्गा पंडाल लगे हों, दुर्गा मूर्तियां लगी हों, या मंदिर में जहां पूजा हो रही है, या जहां रामलीला का मंचन हो रहा है, वहाँ सभी स्टॉल्स में हम लोग जा रहे हैं और जा कर के वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ की लाइटिंग व्यवस्था और जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के अरेंजमेंट्स हैं वो, साथ ही साथ में जो फायर सेफ्टी के व्यवस्थाएं हैं, फायर एस्टिंग्विशर्स हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। हमीरपुर जिले में राठ कोतवाली कस्बा इलाके में नवविवाहिता ने निकाह के दूसरे दिन ही बच्चे को जन्म दिया तो उसका पति अस्पताल में उसे छोड़कर भाग निकला। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक महिला को एक युवक शादी का झांसा देकर बीते एक साल से उसे शारीरिक संबंध बना रहा था। जब वो 8 माह की गर्भवती हुई तो महिला ने शादी की बात कही, लेकिन युवक ने शादी से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक और महिला के बीच समझौता कराकर 28 सितम्बर का दोनों को निकाह करा दिया था। देवरिया में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक एवं सहायक सुरक्षा आयुक्त छपरा के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल प्रभारी निरीक्षक के साथ उप निरीक्षक ने टीम की मिलकर आपराधिक गतिविधियों की निगरानी करने के दौरान कुसमी रेलवे स्टेशन के गोरखपुर साइड यार्ड में 36 नग पेट्रोल क्लिप चोरी कर बोरे में भर कर ले जा रहे 3 शातिर चोर को पुलिस ने रंगे हाथ धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सभी चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदोई में बालामऊ जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से कई गौवंशों की मौत हो गई। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते गौवंशों का शव कई दिनों तक रेलवे ट्रैक के पास पड़े होने के कारण आसपास की कॉलोनी में लोगों को बदबू से जीना दुश्वार हो रहा है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की जा चुकी है पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पर स्टेशन अधीक्षक ने बताया, नगर के अधिशासी अधिकारी को कई बार रेलवे परिसर के आसपास के नगर समेत गाँव से आने वाले आवारा पशुओं के रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा को खतरा बना रहता है, जिसके लिए यहां पर गौशालाएं बनवाने की जरूरत है। गोंडा में नवाबगंज थाना के नकहा पुल के पास नीचे पानी का चालक शव तैरता मिला। जानकारी के मुताबिक कार सवार लोगों ने चालक की रास्ते में हत्या करके तालाब में फेंक दिया था और कार को गोंडा स्टेशन पर छोड़कर भाग निकले। बता दें कि कार मालिक और कार चालक के भाई ने पुलिस को आपबीती बताई, अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस मामले के जांच में जुट गई है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद, नवाबगंज थाना नकाब पुल के पास एक लाश मिली है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले बता दें, ये पूरा मामला कोतवाली नगर के अंतर्गत और नवाबगंज थाना के अंतर्गत का मामला है, जहां 27 सितंबर को एक लावारिस कार दिखी थी, जहां स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और कार की जब डिग्गी खोलकर देखा तो खून के कुछ छींटे में भी मिले और मोबाइल भी खून से भीगी हुई थी। वहीं आपको बताते चले, जिस तरीके से दो दिन बाद ठीक नवाबगंज के अंतर्गत एक तालाब में एक युवक का शव मिला और जब उस शव की जानकारी की गई तो पता ये चला जो लावारिस कार थी उसी ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को वहां फेंक दिया गया था। वहीं इस पूरे मामले में जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता ये चला कि गोरखपुर से तीन लोगों ने कार को बुक कराया था लखनऊ जाने के लिए, जिसकी 9000 रुपए बुकिंग का रेट भी बताया था, और वहीं तीनों लोगों ने रास्ते में उसकी हत्या की और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को नवाबगंज थाने के क्षेत्र फेंका और गाड़ी जो थी वो गोंडा के रेलवे स्टेशन पे फेंका। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राशिद। महाराजगंज में सदर कोतवाली क्षेत्र में सदभरिया इलाके के बिजली विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक जिला प्रोबेशन विभाग के बाल संरक्षण इकाई में तैनात बाल संरक्षण अधिकारी जकी अहमद के खिलाफ घूसखोरी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। औरैया जिले के बिधुना थाना क्षेत्र के गांव पशु में पैतृका संपत्ति के बंटवारे को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद एक पक्ष की तहरीर के साथ वीडियो के आधार पर पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वायरल हो रहे मार्केट के वीडियो के बारे में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 3/8/2022 को विधुना थाना अंतर्गत ग्राम पशुआ में पैतृक जमीन को बंटवारे को लेकर के दो सगे भाइयों के परिवारजनों से आपस में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई। एक वायरल हो रहे मार्केट के वीडियो के बारे में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 3/8/2022 को महाराजगंज जिले के फरिंदा कोतवाली क्षेत्र के ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक शख्स की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने लगी। परिजन शव को अस्पताल में रखकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों इसी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा हॉस्पिटल को सीज किया गया था। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।